वेलकम टू इनोवेट अंकुश शर्मा, एक ऐसा चैनल जहाँ पे बिजनेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सबसे पहले। और दोस्तों, मैं मानता हूँ कि काफी टाइम हो गया हम कोई वीडियो नहीं बना पाए, आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाए। उसका सबसे मेजर कारण ये था कि हम कोई अच्छा सा स्टूडियो देख रहे थे या अच्छा सा कोई सेटअप देख रहे थे। अभी हमारा काफी अच्छा सेटअप बन चुका है और हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको काफी हाई क्वालिटी वीडियोज दें। तो अब से लेके आने वाली कोई वीडियो आएगी, एक तो हमारी हाई क्वालिटी वीडियो आएगी, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आएगी और काफी ज्यादा रिसर्च के साथ कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो हाईली रिसर्च और हाई क्वालिटी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और जिसका कंटेंट बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी होगा। सो वी हैव वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स आने वाले टाइम में, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वी हैव, बात करें चाहे कंटेंट के बारे में चाहे आप टॉपिक्स के बारे में, तो आपके साथ आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया टॉपिक शेयर होंगे, राइट। सो आज के टॉपिक की हम बात करेंगे, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, कि हम कैसे लोगों से बात करें। अगर सामने वाला बंदा हमें नो करता है तो उसको कैसे हैंडल करें, या कैसे लोगों से बात करें कि वो चांसेस कम हो जाए नो के, कि लोग हमें कम से कम लोग नो करें, या रियल सेंस में कैसे लोगों को जो उनका ऑब्जेक्शन है उसको कैसे हम हैंडल कर सकें, राइट। तो इस टॉपिक का नाम होगा, इस वीडियो का नाम होगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट। तो दोस्तों, जब भी कोई हमसे ऑब्जेक्शन करता है, हमें नो करता है, उसके पीछे कारण देखिए कि शायद हम कहीं ना कहीं जो वो चाहता है वो हमें उसे दे नहीं पाए। अक्सर मैं देखता हूँ कि अभी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग में जनरली चीज बोली जाती है कि आप 10 लोगों को प्लान करो तो 2 लोग आपके साथ बिजनेस में आते हैं। उसका मेजर कारण क्या है कि जो 8 लोग हैं उनके साथ हम कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाए, या उनकी जो रियल नीड है वो हम देख नहीं पाए या पहचान नहीं पाए। आप देखो, कभी भी अगर आपको कोई यस करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है कि वो कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट कर पाए हो, या शायद आपके बिजनेस में उसको कोई ऐसा प्रोडक्ट लगा है या आपके बिजनेस की कोई अच्छी सर्विस लगी है जो उसको लगता है कि अब उसको आपसे वो खरीदनी चाहिए, आपसे लेनी चाहिए। मे बी वो कोई पर्टिकुलर टूथपेस्ट हो सकता है, मे बी कोई पर्टिकुलर सोप हो सकता है, आपसे कोई ना कोई मतलब हो सकता है, या आपसे कोई ना कोई उनकी सर्विसेज आपको वो चाहते हैं कि आप उनको सर्विस करो, राइट। सो कोई भी कारण हो सकता है। और जो रेस्ट ऑफ 8 पीपल है, शायद उनको आपका कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, शायद आप उनको कोई प्रोडक्ट कनेक्ट नहीं किया, राइट। सो आप सबसे पहले एक चीज देखिए, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को, कम से कम या कम से कम आपको ऑब्जेक्शन रहे, कम से कम आपको नो रिसीव हो, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कम से कम आप उसको कनेक्ट कर जाओ। और कनेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो उनको चाहिए वो बताओ, राइट। आप देखो, आप हर महीने मार्केट में जाते हो, क्यों जाते हो, क्योंकि आपको किसी ना किसी चीज की जरूरत है, नीड है। कभी दुकानदार आपके घर नहीं आता और आपको कभी दुकानदार ने कभी घर आके ये नहीं बताया कि आपको 3 किलो चीनी चाहिए, 4-5 किलो चीनी चाहिए, 1 किलो चाय पत्ती चाहिए, 2 बैग टूथपेस्ट चाहिए, 8 साबुन के पैक चाहिए, कभी नहीं बोला होगा। हर मंथ आप जाते हो उसके पास, क्यों जाते हो, आपको एक चीज क्लियर है आपकी जरूरत क्या है, और आपको दूसरी चीज ये क्लियर है कि वो जरूरत आपकी कहां जाके पूरी होगी। जिस दिन आपके लोगों को, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको ये क्लियर हो गया कि जो उनकी जरूरत है वो आपके पास कंप्लीट होगी, तो ये यकीन मानिए, जो 8 और 2 का जो कंसेप्ट है ये 5 और 5 का आ जाएगा। आप 10 लोगों को मिलोगे और कम से कम 5 लोग आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस और आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। मैं कभी भी प्लान करता हूं, कभी मेरा प्लान करने का फिक्स पैटर्न नहीं है, सामने वाले बंदे को देख के। अगर सामने वाला बंदा मेरे को लगता है प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। अगर मुझे लगता है कि उसको प्रोटीन पाउडर की जरूरत है, तो सिर्फ मैं उसे उसको प्रोटीन पाउडर के बारे में बताऊंगा, मल्टीविटामिन के बारे में नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर सारा का सारा थोपूंगा नहीं। उसको जो चीज चाहिए उसको सिर्फ वो दूंगा। उसको अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस चाहिए उसको सिर्फ सर्विस के बारे में बताऊंगा। उसको अगर फॉरेन ट्रिप्स चाहिए तो मैं फॉरेन ट्रिप्स पे हाईलाइट करूंगा। अगर उसको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो उसको सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम पे हाईलाइट करूंगा। अगर उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा टाइम है, अगर उसके पास टाइम कम है और वो चाहता है कि उसको टाइम मिले, तो मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम फ्रीडम के ऊपर डिस्कस करूंगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो मैं मनी फ्रीडम के ऊपर बात करूंगा। मतलब मेरा प्रोस्पेक्ट जैसा है वैसा मेरा प्लान होगा। और ये कैसे आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस के साथ, धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप बिजनेस में ग्रो करोगे आपके अंदर इतनी प्रैक्टिस आ जाएगी, आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा, इतना नॉलेज आ जाएगा कि सामने वाला बंदा जैसा होगा वैसे ही आप अपने आप को ढाल लोगे। इस बिजनेस में सबसे अच्छा काम क्या है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो आप एक पानी के समान हो जाते हो। दोस्तों, पानी को आप एक कटोरी में डाल दो तो पानी इमीडिएटली विद इन अ सेकंड और नैनो सेकंड्स अपने आप को उस कटोरी के आकार में ढाल लेगा। अगर आप पानी को एक बर्तन में डाल दो, किसी जग में डाल दो, तो पानी बिना किसी कंप्लेंट के साथ और बिना किसी टेंशन के साथ उस जग का आकार ले लेगा। उसी पानी को आप किसी गिलास में डाल दो तो उसी गिलास में आ जाएगा। उसी पानी को आप बड़े समुद्र में डाल दो तो अपने आप को उस बड़े समुद्र में कन्वर्ट कर लेगा बिना किसी टेंशन से। जिस दिन आपकी लीडरशिप, जिस दिन आपका स्किल,
जिस दिन आपकी नॉलेज और जिस दिन आपकी पर्सनैलिटी पानी के समान होगी कि जैसा सामने वाला है वैसे आप बन जाओगे, तो दो मिनट नहीं लगेंगे वो बंदा अपने जेब से प्रूफ निकालेगा और जेब से पैसा निकालेगा कि हाँ मेरे को ये प्रोडक्ट देख के जाओ। इस बिजनेस में आपको लोगों के सामने, लोगों के ऊपर काम नहीं करना, इस बिजनेस में अगर कहीं काम करना तो यहाँ पे करना है, इस माइंडसेट के ऊपर करना है, इस पर्सनैलिटी के ऊपर करना। जो पर्सनैलिटी आपको शीशे में दिखती है जब आप सुबह तैयार होते हो, जो शीशे में सामने आपको इंसान दिख रहा है, अगर जिंदगी में कहीं किसी पे काम करना है तो उस इंसान पे करना है। क्योंकि एक बात याद रख रहे हैं, इस दुनिया में अगर आपको कोई अमीर कर सकता है, इस दुनिया में आपको कोई सक्सेसफुल बना सकता है, तो कोई आपका अपलाइन नहीं बना सकता, कोई आपका डाउनलाइन नहीं बना सकता। जो इंसान आपको शीशे अंदर दिखाई देता है दोस्तों, वो आपको कामयाब बनाएगा। आपको कोई इंसान आपको कामयाब नहीं बना सकता, सिर्फ वो इंसान जो आपको, वो इंसान को उन्हें जानते हैं, वो इंसान आप खुद हो, वो आप हो। आपको आपके सिवा कोई कामयाब नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता। उसका कारण पता क्या है? क्योंकि आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपको जानता है। इस दुनिया में आपकी जरूरत से ज्यादा किसी को पता ही नहीं है कि आपकी जरूरत क्या है। आप सबसे ज्यादा, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं कि मेरी जरूरत क्या है। मुझे सबसे ज्यादा पता है अपने बारे में कि ये चीज मेरे को चाहिए, ये चीज मेरी नीड है। सबसे पहले खुद पे काम कीजिए, सबसे पहले नॉलेज पे काम कीजिए, सबसे पहले एक्सपीरियंस पे काम कीजिए। नए नए डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, नए नए कंसल्टेंट आते हैं, इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में बहुत देर तक नहीं चल पाते, 1 महीने 2 महीने 3 महीने में उनकी डेथ हो जाती है इस बिजनेस में। कारण क्या है? वो आते हैं क्विक मनी के लिए, जल्दी 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 पैसा बनेगा। इस दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है, याद रखना, वो नेटवर्क मार्केटिंग। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, याद रखना। जब इस बिजनेस में आओगे, इस बिजनेस का फॉर्म साइन करोगे या एप्लीकेशन पे साइन अप करोगे ना, उससे पहले ध्यान में रखना कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल कोई काम है, इस दुनिया का सबसे ज्यादा कोई हार्ड वर्क करने वाला कोई काम है तो ये बिजनेस है। उसका कारण क्या है कि इस बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं मिलता, इस बिजनेस में पैरेलल आपको चार चीजें मिलती है। नंबर वन, इस बिजनेस में आपको पैसा मिलता है। नंबर टू, इस बिजनेस में आपको प्यार मिलता है। नंबर थ्री, इस बिजनेस में आपको रिस्पेक्ट मिलता है। और नंबर फोर, इस बिजनेस में टाइम मिलता है। ये चीजें पैरेलल चलेगी। आमतौर पर जब मेरे को बंदा बोलता है कि सर मेरे को बिजनेस से 50,000 कमाना है, कितना टाइम लगेगा, मैं उसको बोलता हूं इस बिजनेस से 50,000 नहीं आ सकता। सीरियसली फ्रेंड्स, इस बिजनेस से कोई भी इंसान 50,000 भी नहीं कमा सकता। इस बिजनेस में 50,000 रुपए की वर्थ क्रिएट की जा सकती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक 50,000 किसी जॉब में, पर्टिकुलर किसी जॉब में जाते हो, वहां पे दिन रात काम करते हो, फिर 50,000 आता है। यहीं पे नेटवर्क मार्केटिंग में 50,000 का मतलब क्या है? 50,000 परमानेंट आ रहा है। अगर आपको 50,000 परमानेंट चाहिए तो कम से कम बैंक में 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर इस बिजनेस से 50,000 का काम करना है ना पर मंथ, तो मेहनत इतनी करनी है जितनी 1 करोड़ रुपए की करोगे। इसलिए मैं बोलता हूं दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है। अगर 1 लाख रुपए महीने का इस इंडस्ट्री से कमाना, तो काम करने पड़ेगा जितना 2 करोड़ रुपए के लिए करना पड़ रहा है। क्योंकि इस बिजनेस में 50,000 की औकात क्रिएट की जाती है, 50,000 की इनकम क्रिएट की जाती है। और जिस दिन आपकी 50,000 की औकात हो गई, उस दिन 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसी वक्त आपके फोन में SMS आएगा कि आपके बैंक में 50,000 ट्रांसफर कर दिए गए हैं इस कंपनी से। इस बिजनेस में क्रिएट करना है तो औकात क्रिएट करना है, इस बिजनेस में क्रिएट करना है। और जितनी औकात बना ली, प्रोस्पेक्ट की हिम्मत नहीं होगी आपको नो करने की, कस्टमर की। आज तक जैसे मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एक भी इंसान नहीं मिला आज तक जिसने अंकुश शर्मा के मुंह पे इस बिजनेस को ना करने का कोई बहाना दिया, या मेरे मुंह पे इस बिजनेस को नहीं करना है नो बोली हो, आज तक नहीं मिला। मेरे को किसी ने मुंह पे नो नहीं बोली। हाँ, पीठ पीछे बोलते हैं, फोन नहीं उठाएंगे, बट किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे मुंह पे बोल सके कि मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। क्यों? हमने इतनी पर्सनैलिटी क्रिएट की है, इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। और ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस किसी की जागीर नहीं है, ये किसी की निजी मलकियत नहीं है, ये मेरी निजी मलकियत नहीं। आप भी क्रिएट कर सकते हो, आप भी अपने अंदर ये पर्सनैलिटी ला सकते हो। ये मेरी संपत्ति नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा पैशन, मेरी संपत्ति नहीं है अकेले की। ये ओपन अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, सब ले सकते हैं, सब ग्रैब कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम वीडियो देखनी पड़ेगी भाई, 6-6 घंटे 7-7 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लर्निंग पे लाना पड़ेगा, तब इस पर्सनैलिटी पे आ सकते हो आप। इस बिजनेस में अर्निंग से पहले लर्निंग पे फोकस, क्योंकि अर्निंग 50,000 का चेक आ गया, वो बाय डिफॉल्ट अगले महीने नहीं आएगा, उससे अगले महीने भी नहीं आएगा।
कई मैं लीडर्स को देखता हूँ मेरा 1,00,000 रुपए का चेक है, मेरे को अंदर से पता है तेरा भाई 6 महीने बाद ही जीरो होगा, क्योंकि तेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तू इतना चेक ले सके। और कई मैं चैंपियंस को देखता हूँ, आज ही मेरे घर में एक ऐसे बड़े बहुत बड़े चैंपियंस आए, मैं हैरान हो गया उनकी बात सुन के, कैन यू इमेजिन, वो बहुत सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, हाईएस्ट टाइटल पे है, और आज मैंने उनके मुंह से एक ऐसी बात सुनी जो शायद मैं बहुत सरप्राइज हुआ, वो बोलता है अभी तो मैंने काम ही नहीं शुरू किया, हैरान हो गया मैं, मतलब आप देखो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो जाएगा ना बंदा 25-30 हजार के पास वही सेटअप, ये डिफरेंस है दोस्तों, सेटिस्फेक्शन जोन डेथ जोन है इस बिजनेस में, जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए हाँ बस ठीक है, हैरान मैं सर, आपकी इतनी लाखों की इनकम है, इतना आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लिया इस बिजनेस में, अब आप तो टेंशन भी, आप हमारे जैसों को आगे लेके जाओ, बोलते ना अभी तो मैं अभी तो शुरू भी नहीं किया, बोलते अभी तो बिजनेस शुरू करना है, तो ऐसा पोटेंशियल है इस बिजनेस का, आगे बढ़ना है, लोगों की आंखों में आंखें डालिए, अपने ऊपर काम कीजिए, सामने वाला बोल क्या है उसको ध्यान से सुनिए, सामने वाला पूछना क्या चाहता है उसको ध्यान से सुनिए, कई बार इंसान क्या करता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में गलती क्या करता है, सामने वाला पूछ कुछ हो रहता है बता कुछ हो रहता है, वो पूछता है भाई प्रोडक्ट हाँ महंगे लग रहे हैं तेरे को, अभी आंसर उसने बताया नहीं, भाई प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं तेरे को बताता हूँ सस्ते कैसे होंगे, भाई प्रोडक्ट क्या हुआ महंगे लग रहे हैं बड़ी है, अच्छा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी, मैं तो बताता हूँ कैसे अच्छी, भाई प्रोडक्ट अच्छा, अच्छा 5-7 उसने प्रोडक्ट और इधर से आंसर, इधर उसने प्रोडक्ट इधर से आंसर, एंड में पता चलता है भाई सुन तो ले क्या बोल रहे, भाई प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, भाई प्रोडक्ट कैसे कैसे लूं प्रोडक्ट, सुन तो लो कह क्या रहा हूं, पूछो उसको क्या बोल रहे भाई आप अच्छे से, मैं जर्नी को मेरे को सर प्रोडक्ट महंगा है तो मेरा आंसर क्या होता है, आंसर मेरा क्वेश्चन ही होता है, आप ये पूछना चाहते हो ना कि सस्ता कैसे होता है, पहले उसे क्लियर कर लो वो पूछना क्या चाहता है आपसे, उसे पूछो क्या चाहिए, क्या क्या बोल क्या रही हो आप, राइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब है, और क्वेश्चन आर आंसर्स, क्वेश्चन का आंसर कभी आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर हमेशा क्वेश्चन होगा, सर इस बिजनेस में ना टाइम बड़ा लगता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कौन सा बिजनेस है जिसमें टाइम नहीं लगता, भाई आप बताओ ना कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें टाइम, सर इस बिजनेस में ना बड़ी मेहनत करो, आप बताओ कौन सा बिजनेस है जिसमें मेहनत नहीं होती, सर इस बिजनेस में ना लोगों से मिलना चाहता हूँ, आप बताओ दुनिया का एकमात्र बिजनेस बता दो, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस जिसमें लोगों से नहीं मिलना पड़ता, नॉट इवन अ सिंगल बिजनेस, ये बिजनेस दुनिया का सबसे सिंपल बिजनेस है और दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस है, याद रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट बिजनेस आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बिजनेस आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, सबसे सिंपल सबसे मुश्किल ये बिजनेस है, और जिस दिन ये मुश्किल काम आपको करने आ गए, और वो कौन है मैं अभी आपको बताऊंगा, इस बिजनेस में सबसे मुश्किल काम कौन कौन से होते हैं, नंबर एक रोज लोगों से मिलना, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और उस बंदे से वो बात करनी जो वो सुनना नहीं चाहता, और आपको उस बंदे से मिलना होगा जो आपसे मिलना नहीं चाहता, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, राइट। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, क्योंकि हमने सोच लिया आप डेली आपसे एक या दो वीडियो से जरूर शेयर करेंगे, आने वाले हमारा काफी ऐसा सिस्टम आ रहा है जिसमें हम डेली आपको बिजनेस के लिए काफी वीडियोस दिया करेंगे, हमारे काफी लीडर्स अभी और भी इस चैनल में आप और नए नए चेहरे देखोगे, क्योंकि ये चैनल हमेशा बोलता हूँ किसी इंडिविजुअल का नहीं है, ये चैनल आप सबका है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे आकर बोलना चाहते हो तो आप बेझिझक हमें फोन कीजिए, यहाँ पे आके बोलिए, ये सब आपका है, ये हमारा नहीं है, ये सब आपका है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम, जय हिंद।